देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर 2.2 किमी फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर गिलगित बल्टिस्तान। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डिस्किट नुब्रा वैली। कल मैं चला था ले से खरदुंगला होते हुए, डिस्किट आ चुका था। एक्चुअली काफ़ी रात हो चुका था, 7:30-8 बजे के आसपास टाइम हो चुका था, और यहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिस्ट है कि मुझे कहीं पे भी रूम नहीं मिल रहा था। फिर अचानक एक भैया से बात हुआ, भैया बोले थोड़ा नीचे की तरफ चले जाओ, लद्दाख इको होटल बोल के एक गेस्ट हाउस मिल जाएगा, गार्डन गेस्ट हाउस, वहाँ पे जाके आपको रूम मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी आके मुझे रूम नहीं मिला, तो फिलहाल एक पीछे मेरे देख रहे हो टेंट खड़ा हुआ था, तो अंकल बोले आप यहाँ पे ठहर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली 200 रुपया के बदौलत। तो बहुत अच्छा है ये लद्दाख इको होटल, थोड़ा नीचे है डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन अंकल ने उतना रात को मुझे इतना ज़्यादा हेल्प किया। और यहाँ का जो होटल है, रूम्स है, बहुत ही अच्छा है। और अभी मैं जाने वाला हूँ तुरतुक गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, तो चलिए निकलते हैं और आपको दिखाते हैं गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत नज़ारा। ये था गेस्ट हाउस, और अभी जाना है तुरतुक की तरफ। 95 किलोमीटर है, और कल तक बाइक चला था 3179.3 किलोमीटर। ये पहुंच गया हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट का मेन मार्केट की तरफ, और मेरे लेफ्ट साइड पे ऊपर देख रहे हो वही है डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री। तो यहाँ से मुझे राइट जाना है हुंडर की तरफ, और हुंडर डिस्ट्रिक्ट से ओनली 10 किलोमीटर। यहाँ पे आपको होम स्टे, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और सीधा जाएंगे आज हुंडर की तरफ, पहले सीधा जाएंगे तुरतुक, फिर थांग अगर जाने दिया तो थांग भी जाएंगे, फिर वहाँ से रिटर्न करके हुंडर में जो कैमल राइड होता है उसको विजिट करेंगे, फिर आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट। मेरे राइट साइड में देखो यार, पूरा सैंडी सैंड, ऐसा लग रहा है कि मैं राजस्थान या फिर गुजरात पे आ गया हूँ। ये है अपना इंडिया, जहाँ भी जाओ हर एक फ्लेवर आपको मिलता है वहाँ पे। डिस्किट के बाद आएगा हुंडर, हुंडर के बाद आएगा होइसे, और होइसे के बाद आता है चुंगमार। तो मैं फ़िलहाल चुंगमार विलेज में पहुँच चुका हूँ, और यहाँ से तुरतुक, त्याक्षी, थांग, ये सारा गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर आता है। एक्चुअली वहाँ पर जो बोल है वो बल्तिस्तानी भाषा है, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उधर वो लोग जो भाषा बोलते हैं, यहाँ भी वो भाषा बोला जाता है। और थांग विलेज हम लोगों का इंडिया का लास्ट बॉर्डर है, वहाँ पे जाने देगा कि नहीं मुझे पता नहीं। एक्चुअली थांग पाकिस्तान, इंडिया और तिब्बत का एक मिलन स्थल है, तीनों भाषा का इंसान रहता है। ऐसा लग रहा है सच में कि किसी हॉलीवुड फिल्म का मूवी देख रहा हूँ मैं। यहाँ का रोड ऐसा है, आ गया जी ऑफ रोड, चलो बाय। यही है ज़िंदगी यार, अपना ड्रीम को किसी भी हालत में पूरा करो, चाहे वो कैसे भी हो, पैदल हो, साइकिल से हो, बाइक से हो, फोर व्हीलर से हो। लेकिन अगर आपका ड्रीम है लद्दाख, आप सिर्फ वीडियो में ही देखते रहते हो, सोचते रहते हो, तो कर लो प्लानिंग आज का आज और निकल पड़ो घर से, क्योंकि ज़िंदगी भी एक मिला है और इसी में आपको आपका ड्रीम कम्प्लीट करना है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ इस पुलिस चेक पोस्ट पे, और यहाँ से ऐसे फिर सिवोक रिवर को क्रॉस करते हुए या फिर तुरतुक रिवर को क्रॉस करते हुए मिलेगा तुरतुक, फिर तुरतुक के बाद मिलेगा त्याक्षी, त्याक्षी के बाद मिलेगा थांग। अगर थांग में जाने दिया तो अच्छा है, देखते हैं। और फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, टाइम हो चुका है 12:30 के आसपास। तुरतुक जाने से पहले एक जगह रुके थे थोड़ा चाय और समोसा खाने के लिए, कम से कम 50-55 किलोमीटर बाद आपको मिलेगा एक चेक पोस्ट, वहीं पे मिलेगा। यहाँ पे आके थोड़ा आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, करके फिर आगे तुरतुक की तरफ जा सकते हो, आधे घंटे के आसपास और लग जाएगा। तो चलते हैं, फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। राइट साइड से ऊपर में शायद कोई स्कूल है, और मुझे
सीधा जाना है तुरतुक की तरफ। तुरतुक के बाद आएगा तियाक्सी और उसके बाद आता है थांग। और मेरे लेफ्ट साइड में जो रिवर देख रहे हो इसका नाम है शेवोक रिवर या नुबरा रिवर भी इसको आप बोल सकते हो। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, सियाचिन वॉरियर। एक्चुअली ये जो तुरतुक तियाक्सी वाला पूरा एरिया है या फिर सियाचिन की तरफ पूरा एरिया है, यहीं पर सियाचिन का वर्ड हुआ था। ये एक्चुअली जितना सोच रहे हो कि ये टूट जाएगा वैसा नहीं है, ये बहुत सॉलिड किसी काठ से बना हुआ है और नीचे लोहे का पूरा सपोर्ट है। थैंक्स, विश यू ए वेरी हैप्पी जर्नी। तुरतुक यहाँ से 10 किलोमीटर ओनली। देखो क्या लिखा हुआ है, तुरतुक 10 किलोमीटर, तियाक्सी 16, और उसके बाद आता है थांग। शायद तियाक्सी से और 10 किलोमीटर थांग है। टाइम हो चुका है 1:34। 11:15 के आसपास हम निकले थे और अभी 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। पहुंच गया हूँ मैं तुरतुक, और तियाक्सी में जाने के बाद आर्मी का एक चेक पोस्ट है, वहाँ जाके मुझे पता चलेगा कि थांग जाने देगा कि नहीं। पहुंच चुका हूँ मैं तियाक्सी विलेज, और लेफ्ट साइड में जो रोड देख रहे हो इसी के ऊपर एक स्कूल है जो कि पाकिस्तान ने बनाया था, और 1971 के वॉर के बाद वो हम लोगों ने फिर से अपने अंडर में कर लिया। मेरे लेफ्ट साइड में बोर्ड देख सकते हो, यहीं पे पूरा लिखा हुआ है स्कूल के बड़ों में, जो ब्रिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ मस्जिद है नी ई अमीर कबीर, और इसके ऊपर ये नीचे द स्कूल कंस्ट्रक्टेड बाय द पाक एंड रन बाय इंडिया। ये लेफ्ट साइड से ऊपर में जो रोड है इधर से ही आप उस स्कूल की तरफ जा सकते हो। पहले थांग की तरफ चलते हैं। लास्ट विलेज ऑफ माई इंडिया थांग, जहाँ पे तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान तीनों रीजन का आदमी वहाँ पे एक साथ रहता है, और आज वहीं पे जाने को मुझे मौका मिल रहा है। एक्चुअली इसका जो मैप है वो मैं आपको दिखा दूंगा, स्क्रीन पे ऊपर शायद आ रहा होगा मैं आपको, कि ये जो लाइन है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का लाइन है, LOC जिसको बोलते हैं, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो हम लोगों का जगह ऑक्यूपाई करके रखा है कश्मीर वाला, उसी का पार्ट है जहाँ पे हम जा रहे हैं। सामने वाला जो ब्रिज देख रहे हो मेरे राइट साइड में, वहीं से मुझे राइट जाना है क्योंकि आगे नहीं जा सकते। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर 2.2 किमी फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर गिलगिट बल्टिस्तान। तो सोचो मैं कोलकाता से 3200 किलोमीटर दूर अपना देश का लास्ट विलेज देखने को आ गया। एक्चुअली अगर मैप के हिसाब से देखो तो नॉर्थ में ये लास्ट विलेज नहीं है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। अगर वहाँ तक जा पाते तो लास्ट विलेज शायद गिलगित बल्तिस्तान का कोई विलेज होता। और मेरे सामने ऊपर की तरफ आप देख सकते हो उधर बंकर्स पूरा लगा हुआ है, मैं जूम करके आपको दिखा नहीं पाऊँगा, गोप्रो में जितना दिख रहा होगा वो ऊपर बाएं तरफ जो टॉप हिल्स देख रहे हो वहीं पे पाकिस्तान के आर्मी बैठे हैं, और इधर में जो भी आता है उन पर निगरानी रखते हैं। पहुँच गया मैं LOC व्यू पॉइंट एंड इंडिया का लास्ट विलेज फिलहाल के लिए। मेरे सामने ये जो बोर्ड देख रहे हो इसमें साफ लिखा है कि 1971 वर्ड से पहले ये फरनू और थांग विलेज एक ही था, सेम था, और 1971 16 एंड 17 दिसंबर के बाद ये विलेज सेपरेट हो गया और बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल आ गया। देयर बाय इफेक्टेड रिलेशन बिटवीन ऑफ टू विलेजेस एंड नाउ कैन फाइंड हस्बैंड लिविंग हेयर एंड वाइफ एंड देयर अदर साइड। मैंने उस टाइम इतना जल्दी ये सब हो गया कि कुछ रिलेशनशिप, जैसे इधर मान लो वाइफ रह गया, उधर हस्बैंड रह गया, उधर बच्चे रह गए, इधर मम्मी पापा रहेगा, ऐसे हालत हो चुका है। एंड वन कैन सी रिलेटिव वर्किंग ऑफ देयर फील्ड्स इवन दिस नेकेड आइज़, एक दूसरे को इधर उधर से देख सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सेपरेशन एंड दिस इज़ ट्रू हेयर। सोचो कैसा हाल हुआ, एक वर्ड की वजह से कितना सारा रिलेशनशिप ऐसे है, रिलेशन है लेकिन देख सकते हैं एक दूसरे को लेकिन छू नहीं सकते, कितना घर बिखर चुका है। और
ये सीधा मेरे सामने ठीक उधर उधर ही है फरनू विलेज पाकिस्तान। थांगबली रेस्टोरेंट बोल के लास्ट विलेज के यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से मैंने खाया मैगी और लस्सी। तो चलो निकलते हैं क्योंकि शाम हो जाएगा पहुँचते पहुँचते, आज पता नहीं मॉनेस्ट्री कवर कर पाएंगे नहीं। ये देखो सेब का पेड़ अभी फिलहाल छोटा है, पका नहीं है। आईडी मैंने ले लिया, अभी मैं जा रहा हूँ त्यागची के ऊपर जो विलेज है, जो जिस विलेज का स्थापना पाकिस्तान ने किया था और अभी वो हम लोगों के अंडर में आ चुका है, वही विलेज दिखाने के लिए आप लोगों को। मेरे पीछे जो स्कूल देख रहे हो यही वो स्कूल है जो 1971 वर्ल्ड के बाद पाकिस्तान से हम लोगों के अंडर में आ गया। ये स्कूल एक्चुअली पाकिस्तान ने बनाया था लेकिन 1971 वर्ल्ड के बाद ये स्कूल हम लोगों के अंडर में आ चुका है। शंकर, ए शंकर सो गया क्या? उठ जा उठ जा उठ जा, जाना है। घूम लिया इंडियाज मोस्ट नॉर्दर्न विलेजेस तुरतुक, त्याक्षी, थांग, और जाते वक्त नूबरा रिवर या फिर श्योक रिवर मेरा राइट साइड में था और अभी लेफ्ट साइड में है। टाइम हो चुका है 5:32, मुझे पहुंचना है आज डिस्ट्रिक्ट। कैमल राइड देखे नहीं, डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री गए नहीं, कल जाना था मुझे पेंगोंग, पता नहीं क्या होगा। डिस्ट्रिक्ट पहुँचते पहुँचते शायद 8 बज जाएगा क्योंकि आते वक्त 3-3.5 घंटे के आसपास टाइम लग चुका था। आगे वाला रास्ता देखो, ऐसा लग रहा है सामने ही पक्का रास्ता ख़त्म हो गया फिर ऊपर से कच्चा रास्ता स्टार्ट हो रहा है, और नूबरा वैली का तरफ से तुरतुक का जो रास्ता है बीच बीच में ना ऐसा ऐसा है, तो थोड़ा देख के और संभल के आना जब भी आना।